तो दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए इंडियन ओवरसीज बैंक लिमिटेड का कंप्लीट शेयर एनालिसिस। जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में हम इस कंपनी का कंप्लीट फंडामेंटल को, और वीडियो के अंत में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें इस वक्त इस कंपनी पे निवेश करना चाहिए कि नहीं। और इस कंपनी के ऊपर वीडियो बनाने के लिए हमें प्रथमेश जी ने कमेंट किया था, ठीक है। सो अगर आपका भी कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि हम आपके लिए भी अलग से वीडियो बना सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस कंपनी पर। सबसे पहले जो जो चीज़ें हमें ज़रूरत है किसी भी कंपनी पर निवेश करने के लिए, उन सभी चीज़ों को हम लोग एक नज़र देख लेते हैं। तो मैं आपको लेके आ चुका हूँ सबसे पहले कंपनी का सितंबर 2022 का क्वार्टरली रिजल्ट पर, ठीक है। देखते हैं कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस रहा। आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी को ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट हुआ 22.5% के आसपास। कंपनी नेट इनकम में जो है 33% के आसपास इस साल में प्रॉफिट में है। कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन रहा इस साल में 8.5% के आसपास, और ऑपरेटिंग इनकम में भी कंपनी लगभग 32% के आसपास इस साल में प्रॉफिट में है। तो चलिए पहले अभी इस कंपनी का फंडामेंटल को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले कंपनी का मार्केट कैप आप देख सकते हो 63,134 करोड़ कंपनी का जो है मार्केट कैप है, और करंट शेयर प्राइस 33.40 रुपया हो चुका है। इस प्राइस में आने के बावजूद भी यहाँ पे अभी देखेंगे इसका प्राइस अर्निंग रेशियो का नंबर 33% जो है इसके आसपास है। तो प्राइस महंगा होने के बावजूद भी अभी भी प्राइस अर्निंग रेशियो के मुताबिक हमें इसमें बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिल चुका है, ठीक है। यहाँ पे इसका हाईएस्ट प्राइस देख सकते हो, दो दिन पहले हाई बनाया था 37 रुपीज़ के आसपास, और लोएस्ट प्राइस देखा जाए तो इस साल में इस कंपनी का जो लोएस्ट प्राइस रहा 15 रुपये के आसपास। कंपनी का बुक वैल्यू लगभग 12 रुपये के आसपास है। इस वक्त कंपनी आपको डिविडेंड नहीं देता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का नंबर 4.5% के आसपास है, और रिटर्न ऑन इक्विटी का भी नंबर लगभग 8.5% के आसपास है। कंपनी का फेस वैल्यू दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो 10 रुपये के आसपास है। तो इस कंपनी का जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे CAGR आप देख सकते हो 5 सालों के मुकाबले में CAGR कंपनी का अच्छा है, 20% के आसपास है। तो एक डेफिनेटली कंपनी को प्रॉफिट होगा, तो इन्वेस्टर को भी प्रॉफिट होने वाला है यहाँ पे। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सेल्स ग्रोथ रहा कंपनी का माइनस पे लगभग 3.5% के आसपास है, और कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो 11.5% के आसपास इक्विटी पे माइनस जा चुका है कंपनी, ठीक है। अभी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं। तो कंपनी को जो है एक्सपेंस हुआ है आप देख सकते हो 2582 करोड़ का, और इंटरेस्ट रहा कंपनी का 2764 करोड़ का, और रेवेन्यू हुआ है कंपनी का 4,718 करोड़ का। तो कंपनी जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लॉस पे है यहाँ पे 629 करोड़ का। यहाँ पे नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले में आप देख सकते हो कंपनी का नेट प्रॉफिट 392 करोड़ से 501 करोड़ हो चुका है, ठीक है। तो और कंपनी का अगर NPA देखेंगे, यहाँ पे NPA का भी नंबर्स अच्छा है, मतलब थोड़ा सा पिछले क्वार्टर के मुकाबले में थोड़ा सा ज़रूर बढ़ चुका है, 2.43 से जो है 2.56% पे आ चुका है। तो डेफिनेटली NPA जितना ही बढ़ेगा उतना ही कंपनी के लिए मतलब नेगेटिव पॉइंट माना जाता है, क्योंकि नॉन परफॉर्मेंस जो कंपनी का एसेट रहेगा अगर वो काम ये करेगा ज़्यादा बढ़ जाएगा तो कंपनी पर ज़्यादा नुकसान पे चला जाएगा। ईयर ऑन ईयर देख लेते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट आप देख सकते हो कंपनी को पिछले साल में प्रॉफिट हुआ था 17,710 करोड़ का, और यहाँ पर सीधा 1900 करोड़ कंपनी जो है इस साल में प्रॉफिट में आ चुका है। कंपनी का इस साल में सेल्स ग्रोथ रहा 6% का, बाकी 3 साल 5 साल 10 साल जितना भी देखेंगे कंपनी जो है फिलहाल माइनस पे जा रहा है सेल्स ग्रोथ में। यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है 5 साल के मुकाबले में देखेंगे 20% का, और यहाँ पे 10 साल में 5% का, 3 साल में 35%, इस साल में कंपनी को 50% का यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ है। तो एक अच्छा नंबर्स लेके आए हैं। बाकी यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर्स यहाँ पर नेगेटिव है, ये भी चीज़ें आपको दिमाग में रखना है। बट यहाँ पे CAGR भी कंपनी का अच्छा है, बहुत ही अच्छा है CAGR, तो बिल्कुल निवेश किया जा सकता है। अभी इस कंपनी का हम लोग जो है मैं आपको दिखा देता हूँ एक और चीज़। कंपनी का अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो यहाँ पे 96% से ज़्यादा है प्रोमोटर्स का होल्डिंग, ठीक है। 0.08% FIIs का होल्डिंग है, 3.34% जो है डोमेस्टिक इन्वेस्टर का है, 2% के आसपास इसमें पब्लिक का होल्डिंग है, 96% से ज़्यादा प्रोमोटर्स का होल्डिंग है। तो एक अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी ने बनाया है, लॉन्ग टर्म के लिए आप इस कंपनी के साथ में जा सकते हो। बस इस वक्त जो है बैंकिंग सेक्टर में एक बहुत बड़ा करेक्शन का उम्मीद है, जैसे ही वो करेक्शन हो जाता है आप इस पर बिल्कुल निवेश कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आपको यहाँ पर अच्छा मौका एक बन चुका है। तो चलिए अभी फंडामेंटल हमने देख लिया, चार्ट पैटर्न को भी थोड़ा बहुत एनालाइज कर लेते हैं। तो दोस्तों ये तो होना ही था, इतनी तेज़ी से अगर कोई सेक्टर भागेगा तो करेक्शन पे तो करना ही है। करेक्शन करेगा तो यहाँ पे बड़ा करेक्शन करने की चांसेस है। अगर 15-20% कर लेता है तो आने वाले दिनों में फिर से बाइंग का मौका बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 15-20% एक ही मतलब 2-4 दिन में ही तो नहीं करेगा, थोड़ा थोड़ा करके करेगा। तो यहाँ पर जैसे ही कर लेता है यहाँ पर एक अच्छा मौका बन जाएगा बाइंग करने का। इस हफ्ते में देखेंगे तो 32% का अभी भी रिटर्न है, आज 4% गिरने के बावजूद भी फ्राइडे को। मंथली चार्ट पैटर्न देखा जाए तो 55% का रिटर्न दिया है एक महीने के अंदर। 6 मंथ के चार्ट पैटर्न के मुताबिक
116% रिटर्न दे चुका है कंपनी जो है 6 महीने के अंदर, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर बहुत ही तेज़ी से भागा, इसके लिए यहाँ पे एक करेक्शन का, बड़ा करेक्शन का चांसेस है। तो जैसे ही करेक्शन कर लेता है दोस्तों, फिर से बाइंग का अपॉर्चुनिटी बन जाएगा। यहाँ पे 1 ईयर का चार्ट पैटर्न के मुताबिक देखेंगे, पहली बार सारी हाई को तोड़ के ऊपर आ चुका है कंपनी, ठीक है। ये सिर्फ इंडियन ओवरसीज बैंक नहीं, सभी बैंक जो है, लगभग जो भी छोटे मोटे बैंक है, सभी के सभी एकदम बहुत तेज़ से भाग रहे हैं। तो बैंकिंग सेक्टर में अगर ऑलरेडी आप निवेश कर चुके हैं तो एक करेक्शन का वेट कीजिए, ठीक है। जितना तेज़ी से रिटर्न दिया है उतना तेज़ी से करेक्शन भी कर सकता है। मैक्स 5 ईयर का 47% का रिटर्न है, बीते 5 सालों में पूरा कंपनी एकदम कंसोलिडेट पे अपना बिजनेस किया है, कोई भी बैंकिंग स्टॉक्स उठा लेंगे उतना तेज़ भाग नहीं पाया है। मैक्स टू मैक्स देखा जाए तो 240% का अभी भी रिटर्न है। इसका हाईएस्ट देखेंगे यहाँ पे अगर, तो 200 रुपये के आसपास इसका हाईएस्ट प्राइस रहा, मतलब आपको 200 का शेयर यहाँ पे 33 में इस वक्त मिल रहा है। बट 33 में तुरंत बाय नहीं करना है, क्योंकि इस वक्त दोस्तों एक बड़ा करेक्शन की चांसेस है बैंकिंग सेक्टर में, ठीक है। आने वाले दिनों में अगर आप तुरंत ऐसे बिना सोचे समझे निवेश कर देंगे तो फिर आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि करेक्शन करेगा तो बड़ा तगड़ा करेक्शन करने की पूरी चांसेस है। तो ये थी हमारा इस कंपनी को लेकर पॉइंट ऑफ व्यू। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसे ही जानकारी के साथ। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।